परसेंट की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, और मार्जिन भी 10% के आसपास ले आए, 9.99% तक। और ये समर सीजन इस कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया गया है, तमाम उन कंपनियों के लिए जो कूलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट में बिजनेस करती हैं। बातचीत करेंगे CMD अनिल राय गुप्ता जी से। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, और नतीजे वाकई बहुत बढ़िया। और ऐसा आपने अनुमान Q4 के रिजल्ट के समय जब हम लोग बातचीत किए तो आपने लगाई थी, क्या ऐसे ही नंबर की उम्मीद थी कि और इससे ज़्यादा की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समर गया है? नहीं, देखिए हम लोग एक पॉजिटिव आउटलुक लेके रखते हैं, बट इस बार कुछ समर ने भी साथ दिया क्योंकि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स जो कि एक साइजेबल प्रोडक्ट है, फैंस, एयर कूलर्स, उनमें सभी में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक एडवांटेज मिलता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी का भी फायदा तो मिलता ही है। और लॉयड, जैसे हम कई क्वार्टर से बात कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव जर्नी की तरफ चल रहा है, जहाँ पे जिस तरह की एफिशिएंसीज मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए वो अब हमको देखने को मिली हैं। तो ओवरऑल सब चीज़ें इकट्ठे होके आई थिंक इट टर्न आउट टू बी अ गुड क्वार्टर फॉर एंड एज गुड एज आर एक्सपेक्टेशंस। तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। ओके, तो ये थी उम्मीद। अच्छा, अब चूँकि शुरुआत आगाज़ बहुत बढ़िया हो चुका है, और उसके साथ एक चीज़ ये भी है कि समर भी चला गया है अब, तो आने वाली तिमाहियाँ यानी Q2 ऑनवर्ड्स का बिज़नेस कैसा रहेगा ये भी एक ध्यान रखना चाहिए कि आगे फेस्टिवल सीजन भी लगा हुआ और आपके प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो कैसा प्रदर्शन आने वाली तिमाहियों में रहेगा? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो सीजनैलिटी तो हमारे बिजनेस में है ही, स्पेशली खासकर लॉयड में, क्योंकि लॉयड में एक साइजेबल बिजनेस, 70-75% बिजनेस एयर कंडीशनर से आता है, जो कि सेकेंड और थर्ड क्वार्टर जो एक वीक रहता है। लेकिन अगर हम पिछले पिछले सालों से कंपेयर करें तो हमको लगता है कि इस साल एक अच्छी ग्रोथ रहनी चाहिए, बोथ इन लॉयड एज वेल एज इन हैवल्स, क्योंकि हैवल्स में भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अभी कंटिन्यूड बरकरार है। खासकर इलेक्शन के टाइम पे फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा स्लो डाउन भी था, तो एक्सपेक्टेड है कि वो सेकंड क्वार्टर से थोड़ा वापस ऑर्डर इनफ्लो बेटर होना शुरू हो जाएगा। एंड जहाँ तक रियल एस्टेट और कंज्यूमर सेगमेंट का सवाल है, आई थिंक उसका एक एडवांटेज अब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मिलना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। तो जस्ट नॉट जस्ट फेस्टिवल सीजन बट ओवरऑल यू नो अंडरलाइंग डिमांड शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, अनिल जी, मार्जिन आपके बहुत अच्छे आए हैं, लगभग 2 डिजिट के आसपास पहुंच गए, लेकिन हम लोगों को उम्मीद थी, बाजार को उम्मीद लग रहा था कि और इससे भी बेटर आएंगे, तो क्या ये एक एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि आने वाले समय में मार्जिन और इम्प्रूव होंगे, इस बात को भी ख्याल में करते हुए कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है थोड़ी सी? एक्चुअली क्या है कि अगर हम पिछले 6 महीने को देखें तो एक रॉ मटेरियल का भी एक इम्पैक्ट रहा है, सडन इंक्रीज वापस आया, जो कि एक थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी पिछले साल में। तो एक सडन इंक्रीज आने से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है मार्जिन्स में। हैवल्स में खासकर अगर हम देखें तो हमारे एक 13 से 14, कभी 14.5% के बीच में मार्जिन रहता है स्टैंड अलोन हैवल्स में, जो कि इस बार थोड़ा इम्पैक्टेड रहा। बट अदरवाइज हमको लगता है कि जिस तरह के प्राइसिंग एक्शंस हुए हैं और जिस तरह का रॉ मटेरियल स्टेबल होने की तरफ है, तो आने वाले टाइम में हम लोग एक अच्छा मार्जिन देख पाएंगे। लॉयड का जहाँ तक सवाल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स वेरी होते हैं बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, बट आई थिंक एक जनरल पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ भी है अब लॉयड। ओके, अनिल जी, वायर एंड केबल्स वाला बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा था? क्या वायर वाले में थोड़ी सी नरमी है क्या? जनरली हैवल्स के केस में वायर ऑलमोस्ट 60-65% वायर का बिजनेस रहता है केबल्स के। और वायर जिस तरह का रियल एस्टेट डिमांड इंडिया में चल रहा है, वायर अच्छा रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वायर इटसेल्फ में डीग्रोथ देखी गई, वो इस वजह से कि सडन एक रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन आई थी इन द मंथ ऑफ जून, जिससे काफ़ी मार्केट में डी स्टॉकिंग हुई है। तो उस वजह से भी लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में वापस, क्योंकि जब स्टॉकिंग होनी शुरू होगी, डिमांड नॉर्मलाइज होगी, तो वायर भी अच्छा करना चाहिए। अनिल जी, बजट एकदम सामने खड़ा है और सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आप लोग भी और आपकी इंडस्ट्री भी सोच रही होगी कि कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन विश लिस्ट क्या है आपके? आई थिंक द मोर
मनी इन दी हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एट द डाउन लेवल, तो उससे कंज्यूमर डिमांड में ऑफटेक में बढ़ना चाहिए. तो होपफुली एग्रीकल्चरल सेगमेंट, मॉनसून अच्छा रहे और मोर एंड मोर जो कंजम्पशन को स्टर कर पाए पॉलिसीज, उससे हमको थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज पिछले 2-3 साल में कंजम्पशन थोड़ा सा वीक रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड. तो उसमें अगर बढ़ोतरी मिले, इंसेंटिवाइज हों लोग कंजम्पशन की तरफ, तो बेटर रहेगा. कंजम्पशन तो सर थोड़ा टैक्स में रिजिक करना चाहिए, मिडिल क्लास बहुत उम्मीद कर रहा है और आपका जो बड़ा क्लाइंट है वो मिडिल क्लास से ही आता है, तो आप लोग भी ये कहना ये चाहते हैं कि थोड़ा टैक्स में कम किया जाए, GST थोड़ी रिड्यूस की जाए जी, या थोड़ा इन्फ्लेशन को देखते हुए कुछ GST में भी अगर एक और GST काफ़ी एक अच्छा स्टेप रहा, बट उसमें अगर थोड़ा सा रिडक्शन मिले कंज्यूमर के हाथ में. हमारे जैसे एयर कंडीशनर्स है, तो आप एयर कंडीशनर किसी टाइम पे एक लग्जरी मान जाता था, तो 28% GST है, बट आने वाले टाइम में अब वो लग्जरी नहीं रहा. वी हैव सीन मेनी न्यू कंज्यूमर्स ऑफ एयर कंडीशनर्स इन दिस सीजन, तो उसको भी अगर एक 18% के GST पे लाया जाए, तो इन सब चीज़ों से एक जनरल स्पर मिलना चाहिए डिमांड में. ओके, बेहतर है, हम लोग देखेंगे बजट में क्या निकल के आता है. लेकिन अनिल सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे. तो ये था हैवेल्स का मैनेजमेंट जो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा. सरवेन जी, हैवेल्स का शेयर कैसा लग रहा आपको? नीरज जी, बहुत बढ़िया चला हुआ है, अभी तक मोमेंटम पकड़ के रखा है अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखते हैं. बट सबके लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप इसका लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं, इसके ईयरलीज देखते हैं, तो लास्ट 15 साल में कोई भी डिसेंट एक रेड एक करेक्शन इसमें नहीं रहा है. भाई कोविड को आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो तो एक ब्लिप था. तो आई थिंक 10 रुपए वाला शेयर 1800 रुपए चल रहा है, 180 टाइम्स. तो अब यहाँ से और मल्टीबैगर होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है. तो मेरी लिस्ट में जैसे मैंने बोला ना, सेल आउट परफॉर्मेंस, बुक प्रॉफिट इन आउट परफॉर्मेंस एंड बाय अंडर परफॉर्मेंस, जैसे जो थीम था हमारा, आई थिंक हम उसी थीम पे स्टिक रहेंगे. ये सारे बहुत ज्यादा चले हुए स्टॉक से, तो थोड़ा मुनाफा बांधेंगे और जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, थोड़ा IT लेंगे, फार्मा लेंगे, सेलेक्टिव FMCG लेंगे, तो थोड़े पैसे रिलेटिव बेसिस पे ज्यादा बन सकते हैं कंपैरेटिवली. और इसका जो मंथली के जो दो हाई बने अभी 1950 के आसपास एक, और एक 2000 के नीचे से दो हाईज बनाए हैं लास्ट 2 महीनों में, और अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली मुझे दिख रही है कि इसमें आ रही है, तो आई थोड़ा मुनाफा वसूली रह सकती है. अरे आप 2005 से कंपेयर कर रहे हैं क्या? तब वो था उस भाव पे. जी, 2000 जो इसका जो ईयरली का जो इसका लो है जहां से ये चला है वो था 10 रुपए. जहां से ये चला है वो था तकरीबन 2009 का लो. 10 रुपए पे इसका 2009 का लो है, मेरे चार्ट के डेटा में जो मेरे वेंडर दिखाते हैं उसमें 10 रुपए का लो है. अरे तो 9 तो मतलब जमाना गुजर गया सर, वहां कौन देखेगा. नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, 15 साल में 180% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बहुत अच्छा शेयर है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन काफी ओवरबॉट है. तो नए पैसे बहुत ज्यादा उस तरह के नहीं बनेंगे, कहने का मकसद ये है, बहुत ओवरबॉट है, उस तरह के पैसे नहीं बनेंगे जो पीछे बना के आया है. जी चलिए, नेक्स्ट हेवल्स हमको ढूंढना है सर, हमारा काम है कि कहीं नेक्स्ट हेवल्स ढूंढे, नेक्स्ट मंदी में कोई ऐसा स्टॉक पकड़े जो इस तरह से 50-100x आपको कमा के दे. ओके, सुशांत के साथ लेते हैं.